अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम लोग जो हैं, चूँकि आज आपको बताता चलूँ, फ़ाइनल है एशिया कप का पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। तो अभी हमारी गेट टुगेदर है एक रेस्टोरेंट पे, वहीं डिनर करेंगे और फिर आपसे जो है फर्दर जो है एक्टिविटी शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। तो दोस्तों, अभी मैं घर से निकल आया हूँ और जो दोस्त हैं इश्ताक मजीद साहब, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है अल हबीब होटल पे पहुंचना है और वहीं जो है मैच का जो है वो लाइव जो है वो दिखाया जाएगा। तो चलते हैं उधर, फिर मुलाकात होती है अल हबीब होटल पे पहुंच के, तो फिर फर्दर एक्टिविटी आपसे शेयर करते हैं। ये जी लाइव इन्होंने स्क्रीन जो है इसका बंदोबस्त किया है। जी तो नाज़रीन, अभी इश्ताक मजीद साहब और इनके भाई हैं बड़े इखलास मजीद साहब, वो बैठे हुए हैं और बाकी जो दोस्त साहब आप हैं उनके इंतज़ार कर रहे हैं। शायद कुछ लोग जो है वो अपने घरों में ही जो है वो मैच जो है वो लाइव देख रहे हैं। तो चलते हैं फिर दोस्तों, इंजॉय करते हैं मैच को। स्टिल जो है ये प्रिपरेशन में है, मैच इसे स्टार्ट नहीं हो पा रहा, मैच ये लाइव नहीं दिखा पा रहे, तो शायद हम लोगों को जो है वो इश्ताक ऑफिस जाना पड़े और देखने के लिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टाफ बैठा हुआ है उनको खासी मुश्किलात आ रही हैं लाइव स्ट्रीमिंग मैच की, फ़ाइनल मैच जो है एशिया कप का हम लोगों को दिखाने में और हम तक पहुंचाने में। लेकिन चूंकि बड़ा एक मज़े का माहौल है, खासी गहमा गहमी है, चूंकि पाकिस्तान श्रीलंका का फ़ाइनल है तो हम तो आउटडोर सिटिंग को इंजॉय कर रहे हैं। मैच तो एक अपना वो है, मौसम खासा प्लेजेंट है, तो साथ हम दोस्त अहबाब का वेट कर रहे हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो जो है वो जब ब्रेक होगी, इनकी मैच की ब्रेक होगी तो उस ब्रेक के दौरान आएंगे। तो देखते हैं फिर कुछ देर में, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम फिर जो है वो उस दौरान जो है हम अपना खाने का ऑर्डर कर देंगे और फिर फर्दर आपके साथ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मैच इंजॉय करते हैं दोस्तों।
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है और अभी ब्रेक हो चुकी है। मैच के दौरान श्रीलंका ने जो है 170 रन बनाए हैं, 171 का टारगेट है। और इश्ताक साहब बता रहे थे कि जी अभी जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं, उनके भाई और कुछ दोस्त अहबाब, वो भी पहुँचने वाले हैं। तो इसी दौरान जो है होटल का स्टाफ जो है वो जो वेटर्स हैं वो खाने की टेबल पे जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो चलें फिर मैच शुरू आ जाता है और मैच को एंजॉय करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि खाना आ चुका है, खाना खाते हैं, इसके बाद जो है आपको इसका जो है वो इसके रिव्यू देंगे खाने का कि किस किस्म का था, क्या टेस्ट था। जी खाना ख़त्म हो चुका है, खाना खा लिया हमने, अभी हम लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने आपसे जैसा जिक्र किया था कि खाने का रिव्यू मैं दूंगा। दोस्तों बस ठीक ही था जो चिकन कढ़ाई थी, असल में हम लोग अभी शिनवारी का जो है टेस्ट के आदि हो चुके हैं, तो हम लोगों को जो नॉर्मल कढ़ाई है वो शायद दूसरा पसंद नहीं आती, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, खाने का सिस्टम भी अच्छा पका हुआ था खाना। तो अभी चाय का वक्फा हुआ है, अभी हम चाय इंजॉय कर रहे हैं
और दोस्तों फिर फर्दर आपसे डिस्कशन होती। जी तो नाज़रीन, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान का कि जो है फ़ाइनल वो जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो आज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की श्रीलंका ने पेश की, आउटक्लास किया हर डिपार्टमेंट में। तो बड़ा अच्छा लगा, वो डिज़र्व करते थे, उन्होंने मैच जीत लिया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जी श्रीलंकन टीम के लिए भी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का जो वीलॉग है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीलॉग में।